विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक को ईडी ने बुधवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ एक जमीन से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। ईडी ने बुधवार को कोर्ट में कहा कि दाऊद की बहन हसीना उसका बिजनेस संभालती थी। पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर हसीना ने प्रॉपर्टी के राइट्स 55 लाख रुपए में मलिक को बेच दिए, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा थी। विशेष कोर्ट ने ईडी के मलिक पर टेरर फंडिंग का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ मलिक का के वकील ने कहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी 23 साल और जमीन खरीद 19 साल पहले हुई है, तब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं था। क्रिमिनल मामलों में पुराने तारीखों से कानून लागू नहीं हो सकता। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुणे नगर निगम के बाहर मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि केवल ईडी ही इस मामले में कानून जानता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने 4 महीने पहले मलिक पर इसी तरह के मामले को लेकर आरोप लगाए थे। इस बीच एनसीपी शिवसेना ने मलिक का इस्तीफा लेने से इनकार किया है। बुधवार को नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद मलिक का ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था, मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा और जीतूंगा। उधर नवाब मलिक की बहन डॉक्टर सईदा खान ने कहा है कि उन्हें ईडी की बिल्डिंग में जाने की इजाजत तो मिली, लेकिन मलिक से बात नहीं करने दी गई क्योंकि उनका बयान दर्ज किया जा रहा था। हालांकि दोनों की लिफ्ट में मुलाकात हुई जहां मलिक ने कहा कि ये सच के लिए लड़ाई है, हमें साथ रहना होगा, लोग भी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र में हाल में ईडी के निशाने पर एनसीपी चीफ शरद पवार से लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री भी हैं। ईडी ने मार्च 2016 में एनसीपी नेता छगन भुजबल को महाराष्ट्र सदन निर्माण में 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। उन्हें 2 साल जेल में रहना पड़ा। फिलहाल वे महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री हैं। पिछले साल नवंबर में ईडी ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। उन पर बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप है। दरअसल सहकारी बैंक घोटाले में ईडी उप मुख्यमंत्री अजित पवार के रिश्तेदार की चीनी मिल की संपत्ति जब्त कर चुकी है। पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद शिवसेना सांसद भावना गवली से जुड़े 5 शिक्षण संस्थानों पर ईडी ने अगस्त 2021 में छापा मारा था। वर्ष 2019 ईडी ने शरद पवार को नोटिस भेजा था। ईडी ने मुख्यमंत्री ठाकरे के करीबी परिवहन मंत्री अनिल परब को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। उन पर पुलिस की मदद से वसूली का आरोप है। संजय राउत की पत्नी वर्षा को ईडी ने 4300 करोड़ के पीएमसी बैंक घोटाले में नोटिस भेजा है। तो एक के बाद एक महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है और अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि नवाब मलिक की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार ही मांग किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा लिया जाए, लेकिन उद्धव सरकार ने इस्तीफा लेने से साफ इनकार कर दिया है। तो मलिक पर घमासान लगातार मचा हुआ है। इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है जिसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ। और इसी के साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक से ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मलिक को 3 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जमीन से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। ईडी ने बुधवार को कोर्ट में कहा कि दाऊद की बहन हसीना उसका बिजनेस संभालती थी। पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर हसीना ने प्रॉपर्टी के राइट्स 55 लाख रुपए में मलिक को बेच दिए। तो अब ये पूरा मामला और ज्यादा गंभीर और ज्यादा तूल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। नवाब मलिक पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर अब प्रदर्शन लगातार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग यही
कि नवाब मलिक का इस्तीफा लिया जाए। इस विषय पर तफसील से आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजीव पांडे जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र के। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन एनसीपी के। साथ ही किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो की स्पोक पर्सन है शिवसेना के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राजीव पांडे जी आपसे है, क्या वजह है सर बार बार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन शिवसेना की तरफ से तो साफ तौर पर कहा जा चुका है कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, कैसे इसे देखते हैं? जी मैं लाइव हूँ लेकिन मेरा फोटो नहीं दिख रहा है और फोन दिख रहा है, मुझे पता नहीं। बिल्कुल सर प्रोसेस में है, बहुत जल्दी आप दिखने लगेंगे स्क्रीन पे। आप मैं दो बातें बताता हूँ जी, ये अब देखना है कि जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, इसको सोचना है कि कैसे एक व्यक्ति जिस पर टेरर फंडिंग का केस है, ईडी का केस है, क्योंकि देखिए आपको नेहा जी इस केस को समझने के लिए जिस प्रकार से एएसजी ने आर्गुमेंट किया है और उसके आधार पर आज इनकी ईडी की कस्टडी उनको दी गई है, अगर आप देखें तो इस केस में कहां से बात होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें एफआईआर रजिस्टर हुआ था थर्ड फरवरी 2022 को दाऊद इब्राहिम काफ्टर के खिलाफ, उसका टेरर एक्टिविटीज में और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नाम है। वहां से ये बात सुनते हुए जा करके टिक गई नवाब मलिक पर। आज पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, कल तक तो जितने भी ब्रजमोहन जी के साथ में एक शो में था, एक डिबेट में मेरे हिसाब से एक चैनल पर, फिर मैं तिवारी जी के साथ भी एक चैनल पर था, कल तक तो ये कह रहे थे, लेकिन आज जो विषय है वो केवल ईडी की बात नहीं रही। ईडी ने जो बात रखा, जो तथ्यों के आधार पर जो रखा कोर्ट में, कोर्ट को उसमें प्राइमरी फेसिंग इविडेंस दिखा, इसलिए 8 दिन की कस्टडी दी। अब जो ये मसला है, ये कोर्ट के और जो एक्यूज्ड है नवाब मलिक और ईडी के बीच का मसला है। इसमें राजनीति क्यों कर रही है शिवसेना, या राजनीति क्यों कर रही है एनसीपी, या राजनीति क्यों कर रही है, ठीक है किशोर तिवारी जी, राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? ठीक है सर, रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। अब तो ये ईडी से मामला कोर्ट तक पहुंच गया, कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी दे दी, गिरफ्तारी हो गई है नवाब मलिक की, और राजीव पांडे जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आप लोग इस पे भी राजनीति कर रहे हैं, कम से कम अब तो इस्तीफा ले लीजिए ताकि निष्पक्ष तौर पे जांच हो पाए। नेहा दुबे जी, मैं आपको तो बताता हूँ कि राजीव पांडे जी जो लोग टाड़ा के आरोपी है उनसे कोई स्टेटमेंट लेके आप आ जाओगे और बोलोगे कि जब ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट ही नहीं था और प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जब कानून ही नहीं था तब पे आप केस लगाओगे, तो नेहा जी एक मैं बात करता हूँ आपको, अगर एक्शन राजनीति से प्रेरित रहेगी तो रिएक्शन क्या नीतिमत्ता पे होगी? मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मेरी सरकार नवाब मलिक के साथ है, नहीं तो राजीनामा देंगे, ना इसके बाद कोई मंत्री राजीनामा देगा। आपको पूरे मिनिस्ट्री को डालना है तो डाल दो, लेकिन जनता आपको कूड़े के इस पे डाल देगी। राजू जी ये चीज है ना, नागवार गुजर रही है। आप केवल वो एक गरीब परिवार से आए हैं और वो एक धाकड़ नेता है बंबई के, तो उनको शांत करने के लिए आपके एनसीपी के पाप तो उन्होंने गिना दिए, आपके अधिकारियों के पाप गिनाए, आपके लोगों के खिलाफ हमने देखिए। नेहा जी मैं आपको बताता हूं कि अगर हम ईडी को कंप्लेंट करते हैं तो उसको कूड़ादान में डालते हैं, और ये लोग कंप्लेंट करते हैं तो एक्शन के पहले ही एक आदमी है इनका मुलुंड में बैठता है। हाँ, उन्होंने बोला 2 चले गए और 2 जाएंगे। अब मुझे लगता है राजीव पांडे जी इस बात पर बोलेंगे कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे चिट्ठी निकालेंगे और जिनका नाम आएगा उनको हम जेल में डालेंगे। देखिए सत्ता का दुरुपयोग, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग, पहले सीबीआई का किया, फिर एनसीबी का किया, एनआईए का कर रहे, अभी ईडी का कर रहे। अरे ईडी तो 70-75 साल के हमारे जो नेता है उनको भी प्रताड़ित कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता, अभी वो अनिल देशमुख उन पे चार्जशीट डाल रहे हैं, पहले तो बोलते थे 100 करोड़ का,
100 करोड़ का, अभी वो बोलते हैं कि ये 40 लाख का मामला है। ठीक है, अरे भाई ठीक है, ब्रिजमोहन जी से सवाल ले लेते हैं। ब्रिजमोहन जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि मलिक के वकील ने साफ तौर पे कहा है कोर्ट में कि पावर ऑफ अटर्नी 23 साल और जमीन की खरीद 19 साल पहले हुई थी, तब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं था। तो ऐसे में अब लगातार किशोर जी भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये पूरा मामला तो अब कोर्ट तक पहुंच गया है? नेहा जी, मैं इसमें इस मामले में स्पष्ट कर दूं, जो ईडी है ये इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक संगठन है। देखिए कि अभी हाल में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ उसमें जो ज्वाइंट ईडी है मिस्टर सिंह, वो इस्तीफा देते हैं और लखनऊ जिले से वो चुनाव लड़ लेते हैं। मतलब आज सुबह इस्तीफा देते हैं और उसी दिन उनको टिकट मिल जाता है। तो अभी जो पूरी तौर से इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने ईडी में अपने दल के नेताओं की नियुक्ति कर दी है और वो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब से आदेश ले रहे हैं। ये पूरी की पूरी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही कार्रवाई है। ना इसमें कानून का ध्यान रखा गया है, ना इसमें किसी प्रकार से कोई ये देखा गया है कि आखिर एक राज्य का कैबिनेट मंत्री है वो, यदि आपको उनको नहीं कैबिनेट मंत्री है तो कुछ भी करेंगे तो छूट दे दी जाएगी क्या? नहीं, छूट की बात नहीं है, जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है कि अगर ईडी किसी को अपराधी मानता है तो उसके पहले उनको वो नोटिस देता है, सम्मन करता है, सम्मन करके आपने बुलाता है। इन्होंने क्या किया कि सुबह आदरणीय नवाब मलिक के घर पे पहुंचती है ईडी और उनको पकड़ के ले जाती है अपने ऑफिस पे और वहां सम्मन के ऊपर दस्तखत कराती है। ये बात आदरणीय नवाब मलिक साहब ने कल कोर्ट में कही है कि मेरे को ऑफिस में ला के सम्मन दिया। ये पूरी तौर से अपने ढंग से सरकार को चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने कायदे कानून का कोई औचित्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, वो जो कहें वो कानून है। आज ही आप देखिए ठीक है, तमाम तरीकों को दरकिनार किया जा रहा है। क्या राजीव पांडे जी, ये लगातार आरोप आप लोगों पर लगते रहे हैं कि एजेंसी का भी दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, ईडी का दुरुपयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी, और साफ तौर पे अभी आप सुन रहे हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी को? ठीक है सर, मैं रिएक्शन ले लेती हूं, फिर मैं आता हूं। इस्तीफा देते हैं दोपहर को, उनको टिकट मिल जाता है। ठीक है आप राजीव जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संगठन है ईडी। देखिए, दोनों तिवारी जी ने भी बात की है और श्रीवास्तव जी ने भी बात की है, मैं दोनों आदमियों के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने सबसे पहले कहा कि ये ईडी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का संगठन हो गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि देशमुख जी जब अरेस्ट हुए थे तो इन्होंने कहा पहले उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी, फिर उन्होंने कहा वो इस्तीफा नहीं देंगे, फिर उन्होंने कहा उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। हुआ क्या, वो अरेस्ट हुए, इस्तीफा हुआ, कोर्ट में गए और पिछले कई महीनों से उनको कोर्ट बेल नहीं दे रही है। मेरा ये कहना है नेहा जी, जब कल पूरे दिन बहस हो गई और जाने माने वकील थे नवाब मलिक के और एएसजी के आर्गुमेंट के सुनने के बाद एक जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है ईडी का, पीएमएलए कोर्ट है, उसने उनको कस्टडी दिया है, उन्होंने उसके एविडेंस के बेसिस पे कस्टडी दिया है। तिवारी जी कहते हैं कि अरे 23 साल पहले है, तिवारी जी 40 साल पहले का भी क्रिमिनल केस चलता है। मैं बीच में मत बोलिए प्लीज, हाथ जोड़ करके विनती है, बहुत अच्छा डिबेट हो रहा है सर, आपने रखे जल्दी बात रखी अपनी। मेरी सिंपल बात है, आज ईडी के ऑफिसर्स को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिए, अगर जिन्होंने कस्टडी दी है क्या उसके लिए भी यही कहना चाहेंगे आप? कल को आप हाईकोर्ट के लिए बात बोलेंगे? कल आप जब विपक्ष में थे तो आप ही कहते थे कि सीबीआई तोता है, ईडी का मिसयूज होता है। अब मैं नेहा जी, मैं आपको पूछता हूँ कि 1700 इन्होंने केसेस किए जिसमें पॉलिटिकल लीडर 700-800 है, और ये सब विक्टिमाइजेशन के केसेस है, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जितनी रेड मारी उसका लॉजिकल कंक्लूजन पे केवल 17 केसेस गए, यानी 0.5% भी नहीं है इनका। और दूसरी बात है कि पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ जो जो ईडी की केस है, जैसे अभी ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी ने बताया कि जो ज्वाइंट डायरेक्टर ने चिदम्बरम को अरेस्ट किया था उसको बीजेपी ने अपना नेता बना दिया,
तो वो भी केस का कोई लॉजिकल कंक्लूज नहीं, ये भी केस का कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होगा सर। कोर्ट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिए गए हैं किसी के आधार पर तो दिए गए होंगे ना, पहली बात। और दूसरी बात ये, अब बीजेपी ये कह रही है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और आप बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस तो 4 महीने पहले बोल चुके हैं, इस तरह के आरोप मलिक पे लगा चुके हैं, और अब जब ये पूरे मामला सामने आता है तो आप लोग कहते हैं नहीं जी ये तो षड्यंत्र के तौर पर किया जा रहा है। देखिए मेरी बात सुन लो आप, जो जो देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए थे वही वही कागज, यानी इन्होंने तो उसकी टाइपिंग की एरर भी नहीं सुधारी, वही उन्होंने वो रखे। और ये कह रहे हैं कि ये मुझे बताओ ये पहला मामला है जिसमें जिसकी जमीन गई उसको पूरे पैसे मिल गए, सबको पैसे मिल गए, कोई किसी की कंप्लेंट नहीं। और मामले के तह तक आप जाओगे तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी यूज करते हैं, वो लोगों का कनेक्शन किसी बॉम्ब ब्लास्ट से है और टाडा के अंदर वो एक्यूज है, उनके स्टेटमेंट बोल के ला लिए। देखो एक फर्जी मामले के अंदर नवाब मलिक को बताया गया है, नवाब मलिक ये भी झुकने वाले नहीं है, वो भी भंगार बेच के ही आए हैं और वो कुर्ला के बहुत जाने माने एमएलए है। और मैं अभी बता रहा हूँ आपको बंबई में बीजेपी तिवारी जी ने सही बात पकड़ लिया है, महाराष्ट्र और बंबई में देखो वो चुप नहीं बैठेगा, राहुल राजू पांडे तो चुप नहीं बैठेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ईडी के नाटक से, सीबीआई के नाटक से महाराष्ट्र की जनता बहुत क्रोधित है और महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को अपनी जगह बताएगी, लेकिन हम कोई झुकने वाले नहीं है। और आप कितना भी कर लो 24 के बाद आपके ठीक है बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सर ये तो साफ हो रहा है ना कि दाऊद की बहन ने प्रॉपर्टी राइट्स बेचे हैं मलिक को। अब इसके बाद भी जब ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट की तरफ से कहा जाता है गिरफ्तारी के लिए और 8 दिन की गिरफ्तारी अभी बताई जाती है, लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्या नहीं लगता एक आरोपी को आरोपी की तरह देखा जाना चाहिए? आप लोग तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो नेता है फंसाया गया। अभी अभी आपने सुना जिस तरह से तिवारी जी कह रहे हैं कि षड्यंत्र रचा गया, फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है, इस तरह से देखा जाना चाहिए क्या? अगर आरोप लग रहे हैं निर्दोष होंगे तो बाहर आएंगे। नेहा जी, अगर कोई आरोपी है तो उसको निश्चित रूप से आरोपी के रूप में ही देखा जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई निर्दोष है और एक साजिश के तहत यदि उसे आरोपी बनाकर देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है, कौन तय करेगा सर? तो इस पे तो आवाज उठानी चाहिए, वो निर्दोष है या नहीं है ये कौन तय करेगा? कोर्ट ने क्या कहा कल? देखिए कोर्ट क्या करता है कि जब प्रोसिक्यूशन कोई केस कोर्ट के सामने प्रस्तुत करता है तो कोर्ट प्रायः ये अभी मेरिट पे कुछ वहां पे बात नहीं हुई है, वहां पर सिर्फ इस बात पे बात हुई है कि ईडी ने कहा कि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ इसलिए आप हमें इनको रिमांड पे दे दीजिए। ऐसे मौके पे प्रायः कोर्ट रिमांड देती है, वहां पर मेरिट पे डिस्कशन नहीं होता, वहां पे मेरिट पे फैसला नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति जिसका इतना लंबा करियर है, 26 साल से एक आदमी जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, वो महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते तो उनकी छवि बिगाड़ने का काम तो किया गया। ये हुआ क्या, इसकी हकीकत तो पहले समझिए। जिस जमीन की बात आ रही है वो जमीन 6 एकड़ जमीन थी, जो एक वहां का जो परिवार था प्लम्बर परिवार उसकी जमीन थी, पुश्तैनी जमीन थी, माँ और बेटी के बीच में 3-3 एकड़ जमीन का बंटवारा हुआ, माँ की डेथ हो गई, जो ये जो जमीन थी इस जमीन पर करीब 400 लोगों ने कब्जा कर रखा था और 400 लोग वहां पर बसे हुए थे। वहां पर एक 400 स्क्वायर मीटर का एक एरिया था जिसको कि नवाब मलिक साहब ने अपने किराए के लिए, जिसकी वहां पे पहले से किराएदारी थी, जो वहां पे काविज था उससे उन्होंने उस जमीन को लिया है। और इसके अंदर जो पूरा मामला है, ईडी ने मामला उठाया किस आधार पे, आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा, जो लोग जेल में बंद हैं, जो ईडी के गिरफ्त में हैं, उन लोगों से बयान दिलवाकर आदरणीय नवाब मलिक साहब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप एक जनप्रतिनिधि की बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन एक जो अपराधी जेल में बंद है, दिलवाकर आपने कहा ये बयान दिलवाकर इस पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हाँ, जब वो मैं ये आरोप लगा रहा हूँ और ये बात सारी कल कोर्ट में आई है, ये सारी बातें कोर्ट में कल खुद ईडी के वकील ने भी स्वीकार की है कि फला फला आदमी जो कोर्ट में बंद है, औरंगाबाद जेल में बंद है, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में छोटा सा रिएक्शन आपका कि सर जिस तरह से ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बयान दिलवाकर मजबूरी में या यूं कहें कि जबरदस्ती
बयान दिलवाकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र में हाल ही में ईडी के निशाने पर एनसीपी चीफ शरद पवार से लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री भी हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्या बीजेपी के सारे नेता पाक साफ है और बाकी सभी पार्टियों के जो नेता है वो 6000 करोड़ पे बोल दे पांडे जी, थोड़ा 6000 करोड़ का बीच में बोल रहे हैं, ये क्या है, इतना सीनियर आदमी है, चुप रही है। मेरा क्या कहना है नेहा जी, तीन बातें हैं। इन्होंने अभी कहा कि ईडी ने इस बात को मान लिया कि मैंने बयान दिलवा दिया है, और सब कुछ सुनने के बाद 14 दिन की कस्टडी मांगी तो 8 दिन की कस्टडी दे दी, यानी कोर्ट ने इस विषय को गंभीर माना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के योग्य माना, इसलिए दिया। तीसरी बात, आप ये खुद कह रहे हैं कि हसीना पारकर से सलीम और बॉम ब्लास्ट कन्विक्टेड लोगों के साथ इनके मंत्रियों के संबंध है। आप मुंबई में, आपको पता होगा कि किस तरह से जो गुंडे होते थे वो एरिया को, सुनिए बीच में मत बोलिए, बात बोल रहे हैं, एरिया खाली करवाने का काम करते थे आप, हम लोग एरिया में कौन गुंडे होते थे। और तीसरी लास्ट लाइन, क्योंकि आप शो के एंड में हैं, तिवारी जी ने कहा अरे वो भंगार बेचता था, भंगार बेच बेच के इतना बड़ा आदमी हो गया, और बाला साहेब ठाकरे माननीय हिंदू हिंदू हृदय सम्राट जी ने क्या कहा था इसके बारे में, वो स्टेटमेंट याद करके तिवारी जी पढ़ के आए। इसी नवाब मल्लिक के बारे में उन्होंने क्या कहा हुआ है, 2005 के पहले का स्टेटमेंट है कि कौन है नवाब मल्लिक, मैं उस बारे में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, राजनीति है, वक्त के साथ बयान बदलते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया समय पर, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।